हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एथिक्स के कुछ प्रश्नों पर। लेक्चर नंबर तीन में हम क्वेश्चन वन की बात करें। हम लोग एक समान प्रश्न यही है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या है? पर्यावरणीय नीति शास्त्र का अभिप्राय क्या है? प्रकृति के प्रति लोग संवेदनहीन क्यों हो रहे हैं? इस प्रश्न को देखो आप। इस प्रश्न के दो पार्ट हैं। पर्यावरणीय नीति शास्त्र का अभिप्राय क्या है? प्रकृति के प्रति लोग संवेदनहीन क्यों रहे हैं? ज्यादातर जो एथिक्स का क्वेश्चन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन। यहां परीक्षण, मूल्यांकन, समीक्षा बहुत कम पूछा जाता है। कारण यह है कि यूपीएससी यह जानना चाहता है कि आपकी सोच क्या उसके प्रति। ये प्रश्न क्यों पूछा जा सकता है इस बार कि कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन लागू हुआ तो पूरा एटमॉस्फेयर काफी हद तक क्या हो गया? नीट एंड क्लीन हो गया। पॉल्यूशन में बहुत तेजी से गिरावट आ गई। कितना अच्छा लग रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी। कई बार न्यूज़पेपर में यह भी पढ़ने को आया कि हिमालय की चोटियां 200 किलोमीटर दूर से दिखने लगी। पर्यावरण, हम सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरणीय हम नीति शास्त्र की बात करेंगे। इसका सामान्य अर्थ ये है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता तथा पर्यावरण का विवेकसंगत उपयोग। हमेशा ध्यान दो, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता तथा पर्यावरण का विवेक संगत उपयोग, यही है समानता। पर्यावरणीय नीति शास्त्र के संबंध में चिपको, एपिको एवं मैत्री आंदोलन की बात की जा रही है। अब तुरंत एक फिगर बनाओगे, ये सब ट्रायंगल मिल करके क्या करते हैं? पर्यावरणीय नीति शास्त्र की बात करते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये ट्रायंगल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कहा जाए पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता है। दूसरी चीज बात करें, हम सतत विकास की बात करें, हमेशा ध्यान इस बात को। और तीसरी चीज बात करें, पर्यावरण का विवेकसंगत उपयोग की बात करें। ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? पर्यावरण ही नीति शास्त्र की बात करें। तुरंत एक फिगर बना दोगे आप, हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये पूरा ट्रायंगल बनाता है पर्यावरणीय नीति शास्त्र। केवल अभिप्राय की बात कर रहा है ये, इसका अर्थ क्या है? हम सेकेंड पैरा में आएंगे कि प्रकृति के प्रति लोग संवेदनहीन क्यों हो रहे हैं। अच्छा,
कई बार उदाहरण के साथ यूपीएससी पूछेगा, कई बार क्यों रीजन पूछता है, क्यों हो रहे हैं। नंबर सेकंड पैरे की बात करें हम लोग, सेकंड पैरे की बात करें, लोग प्रकृति के प्रति संवेदनहीन हो रहे हैं, क्योंकि हो रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि नंबर वन, प्रकृति को उत्पाद मानना पहली चीज, प्रकृति के साथ मानवीय संबंध का समाप्त होना। हम नंबर सी की बात करें, उपभोक्तावादी संस्कृति नंबर हम डी की बात करें, ध्यान देने इस बात को, प्रकृति को उत्पाद मानना एक सबसे बड़ी कमी है। प्रकृति के साथ मानवीय संबंध का समाप्त होना उपभोक्तावादी संस्कृति। तीसरी चीज, मानव के लालच में वृद्धि। हम बात करें अति तार्किकीकरण, इसने दो काम किया, मानव की संवेदना को कमजोर और दूसरी चीज एक बात हमेशा ध्यान देने इस बात को, इसने किया क्या, इस उपभोक्ता संस्कृति ने क्या किया, उपभोक्तावादी हम संस्कृति की बात करें, सबसे पहले तो ये चीजें, मानव ने प्रकृति को उत्पाद मान लिया। आज हम प्रकृति को उत्पाद मान लेंगे, प्रोडक्ट मान लेंगे, तो प्रकृति का मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि मानव की जात के लालच को किस अनुपात में पूरा कर रही है। जब हम प्रकृति को उत्पाद मान लेते हैं तो फिर क्या होगा, हमेशा ध्यान दें इस बात को, जब प्रकृति को उत्पाद मान लेते हैं तो होता क्या है, हम प्रकृति के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं, हम प्रकृति को साधन मान लेते हैं। नंबर दो, प्रकृति के साथ हमारा मानवीय संबंध समाप्त हो गया है। जैसे हम प्रकृति को मानवीय रूप देते थे, प्रकृति में देवत्व का वास मानते थे, उसे देवता मानते थे, हम प्रकृति की पूजा करते थे, पर आज वो मानवीय संबंध लगभग समाप्त हो चुका है। जब मानवीय संबंध समाप्त हो जाएगा तो स्वाभाविक है प्रकृति के साथ हमारी संवेदना भी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तीसरी चीज, उपभोक्तावादी संस्कृति, इस कल्चर ने क्या किया, प्रकृति को उपभोग का विषय बना दिया। इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने प्रकृति के साथ सामंजस्य को समाप्त कर दिया और यह बता दिया कि दुनिया की सारी चीजें मानव के लिए है, मानव साध्य बन गया, प्रकृति साधन बन गई। प्रकृति का मूल्यांकन इस आधार पर होने लगा कि प्रकृति मानव के लालच को किस अनुपात में पूरा कर रही है। इसने क्या किया, प्रकृति को व्यापार की एक वस्तु बना दिया, उसकी कीमत लगने लगी। इस संस्कृति ने क्या किया, मानव को लालची बना दिया। अब सोचो जरा, अत्यधिक संसाधनों का दोहन करने के लिए मानव ने प्रकृति के संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। अगली चीज, अति
तार्किकीकरण। इस अति तार्किकीकरण ने क्या कर दिया, मानव की संवेदना को कमजोर किया, बल्कि यह कहा जाए अति तार्किकीकरण ने मानव को तार्किक तो बनाया, लेकिन जिस अनुपात में मानव तार्किक हुआ उसी अनुपात में उसकी संवेदना कमजोर होने लगी। हमेशा ध्यान दो, और जब संवेदना कमजोर होगी तो प्रकृति के साथ उसका जो भावनात्मक लगाव है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज, वैज्ञानिक ने क्या किया, साइंस ने क्या किया, प्रकृति को निर्जीव घोषित कर दिया। आज जब निर्जीव घोषित हो गया, निर्जीव और चेतन प्राणी स्वाभाविक है, उसके साथ मानव का जो संबंध है वो समाप्त हो गया। इस अति तार्किकरण ने क्या किया, इस अति तार्किकरण ने क्या कर दिया, बेसिक मानव को सेक्युलर बनाया, लेकिन प्रकृति में जो आस्था थी उसको कमजोर कर दिया इसने। जैसे मैंने क्या कहा, हम तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं, हम पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं, क्योंकि आस्था है। उस पूजा का यह परिणाम होता है कि हम पीपल के पेड़ की रक्षा भी करते हैं और तुलसी के पेड़ की रक्षा भी करते हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है, हमेशा प्रकृति को जो मानवीय रूप पहले मिलता था, मानवीय रूप मिलना बंद हो गया। एफ, प्रकृति को मानवीय रूप मिलना बंद हो गया। जैसे पहले देवताओं का वास माना जाता था, वो तो समाप्त हो गया, हमने प्रकृति की पूजा करनी बंद कर दी। और आज क्या है, हमेशा मानव के लिए भौतिक संसाधन प्राइमरी, भौतिक संसाधन प्राथमिक होते हैं, मानव के लिए लाभ प्राइमरी हो गया। इस लाभ को पाने के लिए प्रकृति का क्या करने लगा, दोहन करने लगा। ए बी सी डी ई एफ जी, ये पॉइंट आप व्याख्या करोगे, आप ये सारी बातें करने के बाद एक छोटा सा डायग्राम बनाओगे आप, जैसे डायग्राम इस तरह, प्रकृति को उत्पाद मानना, साथ मानवीय संबंध का समाप्त होना, संस्कृति अति तार्किकीकरण, इन सबने क्या किया, प्रकृति के प्रति मानव को संवेदनहीन बना दिया। इससे क्या हुआ, प्रकृति का दोहन बढ़ गया। ये आप डायग्राम बना दोगे आप और उसको बॉक्स में कर सकते हो आप। ये सारी बातें करने के बाद हम निष्कर्ष की बात करेंगे, निष्कर्ष, और निष्कर्ष केवल एक लाइन, वो भी महात्मा गांधी का स्टेटमेंट। निष्कर्ष एक लाइन, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट, वस्तुतः प्रकृति से मानव की सभी आवश्यकता पूरी हो सकती है, किंतु
एक भी लालच पूरी नहीं हो सकती है। ध्यान देना, निष्कर्ष क्या है? वस्तुतः प्रकृति से मानव के सभी आवश्यकता पूरी हो सकती है, किंतु एक भी लालच पूरी नहीं हो सकती है। हमारा आंसर क्लोज। अगला प्रश्न देखो आप। महात्मा गांधी का जो स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट कि प्रकृति से मानव की आवश्यकता पूरी होती है, किंतु लालच नहीं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप, प्रकृति से मानव की आवश्यकता पूरी होती है किंतु लालच नहीं। ये देखो, आंसर जब चलेगा आप सीधे आंसर को हिट करोगे। आप प्रकृति से मानव की आवश्यकता पूरी होती है क्योंकि, फर्स्ट पॉइंट, आवश्यकताएं सीमित होती हैं। हमेशा ध्यान इस बात को। और दूसरी चीज, आवश्यकता के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य पर बल दिया जाता है। यह फर्स्ट पैरा, इसकी व्याख्या करोगे विथ एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, प्रकृति से मेरी हर एक आवश्यकता पूरी हो सकती है क्योंकि मानव की आवश्यकताएं सीमित होती हैं। आवश्यकता हमेशा सीमित होती है। दो कपड़े चाहिए, एक छोटा सा घर चाहिए और जमीन का छोटा सा टुकड़ा चाहिए, मेरी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आवश्यकता के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य पर बल दिया जाता है। और होगा क्या? प्रकृति का संरक्षण की बात करेंगे। यह सब कुछ फर्स्ट पैरे में आप इसकी व्याख्या करेंगे। यहां तुरंत एक फिगर बनाएंगे आप। फर्स्ट पैरे में आप एक फिगर बनाएंगे और फिगर इस तरह, यह प्रकृति है, ये मानव है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रकृति से मानव की आवश्यकता की पूर्ति, अब मानव क्या करेगा? जबकि आवश्यकता की पूर्ति होगी तो प्रकृति के साथ सामंजस्य की बात करेगा। वो जब सामंजस्य की बात करेगा तो प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनेगा। वो जब संवेदनशील बनेगा तो स्वाभाविक है, प्रकृति का संरक्षण होगा। ये पूरी साइकिल चलती रहती है। और जब प्रकृति का संरक्षण होगा तो स्वाभाविक है, हमेशा जो संरक्षण होगा
पर्यावरण शुद्ध, प्रणामता, मानव का विकास या फिगर बना दोगे आप। यह प्रकृति से पूर्ति किसकी? आवश्यकता की पूर्ति। आवश्यकता की पूर्ति होगी तो प्रकृति के साथ सामंजस्य होगा, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता की भावना पैदा होगी, प्रकृति का संरक्षण होगा। प्रकृति का जब संरक्षण होगा तो पर्यावरण शुद्ध होगा, प्रणामता मानव का क्या होगा? विकास होगा। आप सोचो, यदि प्रकृति पर्यावरण के शुद्ध होने से मानव का विकास हुआ तो मानव क्या करेगा? एक सबसे ये साइकिल चलती रहेगी हमारी। लेकिन हम सेकेंड पैरे में जब आएंगे, सेकेंड पैरे में सेकेंड पैरे में जब आएंगे हम लोग, किंतु लालच की पूर्ति नहीं होती। लालच की नहीं होती, क्योंकि लालच अंतहीन होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, लालच अंतहीन होती है, जिसका कोई अंत नहीं है। प्रणामता प्रकृति का दोहन। हम दूसरी चीज लालच के कारण प्रकृति के साथ अमानवीय व्यवहार, आप देखो अमानवीय व्यवहार होगा मानवीय संबंध समाप्त। और जब प्रकृति के साथ मानवीय संबंध समाप्त होता है तो स्वाभाविक है प्रकृति को उत्पाद मानने लगते हैं। प्रकृति को जो उत्पाद मानेंगे तो प्रकृति का दोहन, और जब प्रकृति का दोहन होगा तो प्रकृति का विनाश होगा। और जब प्रकृति का विनाश होगा तो स्वाभाविक है आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, लालच अंतहीन होती है, प्रणामता प्रकृति का दोहन होता है। ये सारी बातें करने के बाद एक फिगर बनाओगे आप। अब फिगर कैसे बनेगा? देखो आप, मानव में लोभ आ गया। लोभ, जब मानव में लोभ आएगा तो इससे होगा क्या? प्रकृति के साथ सामंजस्य समाप्त। प्रकृति का मूल्यांकन लालच पूर्ति के आधार पर, तथा निर्जीव मानना। इससे क्या होगा? हमेशा ध्यान दो इस बात को, मानव में लोभ लालच प्रकृति के साथ सामंजस्य समाप्त हो जाएगा। प्रकृति का मूल्यांकन लालच पूर्ति के आधार पर, प्रकृति को साधन मानना तथा निर्जीव मानना। इससे क्या होगा? सबसे चीज प्रकृति को उत्पाद माना जाएगा,
और प्रकृति को उत्पाद मानोगे तो प्रकृति का क्या होगा? दोहन। प्रकृति का यदि दोहन होगा तो एक चीज ध्यान दे, प्राकृतिक आपदा में वृद्धि ऐसी होगी तो मानव अस्तित्व के समक्ष चुनौती पैदा होगी। ये स्थिति होगी। अब सोचो आप, ये सारी बातें करने के बाद अब हम थर्ड पैरे में आएंगे, पर एक फिगर बनाएंगे हम लोग, इस फिगर की बात करेंगे। अब हम थर्ड पैरे में आएंगे, हम थर्ड पैरे में क्या करेंगे, आज का मानव लालची हो गया है, प्रणामता प्रकृति का अत्यधिक दोहन। हमेशा ध्यान दो, आज का जो मानव है वो लालची हो गया है, प्रणामता प्रकृति का अत्यधिक दोहन। जिससे वैश्विक समुदाय चिंतित हुआ है और पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक वैश्विक समझौते किए जा रहे हैं। वैश्विक किंतु नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लालच में निरंतर हो रही है। हमेशा ध्यान दो, आज का मानव लालची हो गया है, प्रणामता प्रकृति का अत्यधिक दोहन होने लगा है, जिससे वैश्विक समुदाय चिंतित हुआ है और पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक वैश्विक समझौते किए जा रहे हैं, किंतु उनका अनुपालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लालच में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये सारी बातें करने के बाद, अच्छा जब समझौते की बात करोगे ना, तो कुछ समझौतों की बात करो। सोचो आप, CO2 को उत्सर्जन को रोकने के लिए कितने प्रोटोकॉल की बात की गई, फिर भी CO2 को उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अनेक एग्रीमेंट हुए हैं, फिर भी प्रतिवर्ष ग्लोबल वार्मिंग में लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग में कमी नहीं आ रही है। अब सोचो, अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, हम चौथे पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में इतनी बातें कहेंगे हम लोग, मानव को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रकृति का संरक्षण करना होगा, इसके लिए लालच को दूर भगाना होगा। आंसर क्लोज हमारा, मानव को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रकृति का संरक्षण करना होगा। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रकृति का संरक्षण करना होगा और लालच को
दूर करना होगा. आंसर क्लोज. इस रूप में आपका आंसर चलेगा. अब हमेशा ध्यान दो इस बात को. फिर एक प्रश्न कि प्रकृति के प्रति लोगों को संवेदनशील कैसे बनाया जाए. हमेशा ध्यान दो इस बात को. एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है. प्रश्न पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर दो. पर्यावरणी नीति शास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करें. पर्यावरणीय नीति शास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करें. प्रश्न का अगला पार्ट होगा प्रकृति या पर्यावरण के प्रति मानव को संवेदनशील बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना पसंद करेंगे. आंसर क्लोज आप. इसका आंसर देखो कैसे चलेगा. आप फर्स्ट पेरे में क्या करोगे. आप पर्यावरणी अभी मैं जो प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं यूपीएससी में लगभग 3 लेवल का प्रश्न होता है. अभी मैं आपको फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं. फर्स्ट लेवल का. उसके बाद मैं कुछ प्रश्नों को डिस्कस करूंगा सेकेंड लेवल का. यद्यपि मैं आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में 200 से 250 प्रश्न में डिस्कस करूंगा. मैं यूपीएससी जो मेंस इस बार लोग लिख रहे होंगे 2020 का उसके लिए मैं 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं केवल. और इसका उद्देश्य बस ये होगा कि आपको सोचना कैसे है. कुछ भी नहीं पता यूपीएससी क्या पूछ दे. इसलिए मैं एथिक्स की क्लास में केवल डायमेंशन बताता हूं. आपको सोचना किस दिशा में है और किस तरह सोचना है. यदि डायमेंशन आपका क्लियर है सोचना आ गया तब नंबर पा सकते हो आप. हमेशा ध्यान दो इस बात को. सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरणीय नीति शास्त्र का अर्थ. हम सेकेंड पेरे में आएंगे और ये बताएंगे पर्यावरणीय पर्यावरण के प्रति सेकेंड पैरा. संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव देना पसंद करेंगे. पहला सुझाव देखो आप क्या सुझाव देना पसंद करोगे. अच्छा जब इन्वायरमेंटल इथिक्स की मीनिंग बताओगे आप इसके पहले जो मैं प्रश्न डिस्कस कर चुका था वो डायग्राम जरूर बना देना. आप कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न में एकाध डायग्राम अवश्य हो.
सुझाव देना पसंद करेंगे? तुम क्या सुझाव देना पसंद करेंगे? पूरी बात ध्यान देने इस बात को, पर्यावरणीय शिक्षा शामिल करने के साथ पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ हमेशा ध्यान दो, पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा को शामिल करने के साथ वृक्षों के साथ मानवीय संबंध का विकास जैसे पेड़ों से गले मिलना, वृक्षों से गले मिलना, वृक्ष से बात करना, हमेशा ध्यान दो, ये होना कहां चाहिए? स्कूलों में प्राइमरी लेवल पर होना चाहिए, ताकि उन पेड़ों के साथ मानव का एक संबंध डेवलप हो सके। कहा जाता है पर्यावरणीय शिक्षा को शामिल करने के साथ वृक्षों के साथ मानवीय संबंध का विकास करना। ये कैसे विकास होगा? पेड़ों से गले मिलना चाहिए। एक बात याद रखना, जब हम किसी पेड़ से बार बार गले मिलते हैं, ठीक समय ऐसा आता है तो उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट स्थापित हो जाता है, और जब भावनात्मक संबंध डेवलप होता है तो स्वाभाविक है उसका क्या परिणाम होगा। दूसरा प्रश्न देखो जरा, नंबर दो, पेड़ को मानवीय कल्याण में सहयोगी रूप में परिभाषित किया जाए। वृक्ष को मानवीय कल्याण में सहयोगी के रूप में नंबर बी देखो आप, और मानव अस्तित्व के पूर्ववर्ती शर्त के रूप में प्रचारित किया जाए। एक बात हमेशा ध्यान देना, जब तक कोई भी इंसान एक चीज, गवर्नमेंट लगातार मूवमेंट चला रही है, मूवमेंट सेव द नेचर, सेव द ट्री, सेव द वाटर, सेव द अर्थ, पर सोचो आप, क्या पेड़ बचाए जा रहे हैं? क्या हमारे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग में कोई कमी आ रही है? क्या लोग जल का संरक्षण कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये मूवमेंट चल तो रहा है, फिर भी सफल क्यों नहीं हो रहा है? आपसे हो सकता है अगला प्रश्न ये पूछा जाए कि पर्यावरणीय आंदोलन या पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानून हमेशा के बावजूद पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि नहीं हो पा रही है। सेव द वाटर का मूवमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट कानून भी बना रही है, फिर भी लोग पांच जल की बर्बादी करते हैं। क्यों करते हैं? उनका इंट्यूशन, जब तक हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं बनेंगे तब तक उसका संरक्षण नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा? उसके प्रति संवेदनशील बनना होगा, तभी उसका क्या होगा? संरक्षण होगा। अब सोचो जरा, हम तीसरी चीज, धर्म का डर दिखाओ आप। मंदिर, मस्जिद और चर्च के माध्यम से
पर्यावरण संरक्षण के रूप में प्रोत्साहित किया जाए। मंदिर, मस्जिद या चर्च के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाए और प्रार्थना स्वीकृति की शर्त वृक्षारोपण को घोषित किया जाए। हमेशा ध्यान दो, आपकी प्रार्थना एक्सेप्ट तभी होगी जब आप पेड़ लगाओगे, अन्यथा आपकी प्रार्थना एक्सेप्ट नहीं होगी। नंबर डी, पर्यावरण विनाश से उत्पन्न संकट का एहसास। उत्पन्न दिलाना आवश्यक, जैसे गवर्नमेंट बार बार कहती है कि जल संकट जल संकट, पर लोगों को एहसास नहीं है। एहसास दिलाओ। एहसास कैसे दिलाओगे? जैसे लोग जल की बर्बादी ज्यादा करते हैं, तो वाटर क्राइसिस क्या है? वाटर क्राइसिस से लोगों के सामने किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसको बताना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? आम सहमत से महीने में 3 से 4 दिन पानी की सप्लाई रोक देनी होगी। जब 3 से 4 दिन पानी की सप्लाई रोक दी जाएगी, पानी की सप्लाई जब रोक दी जाएगी तो लोग पानी को सेव करेंगे कि 3 से 4 दिन पिएंगे क्या। उस समय एक एक बूंद, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दिल्ली के अधिकांश घरों में वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। वाटर प्यूरिफायर, यदि वह 1 लीटर पानी को प्यूरिफाई करता है तो 1 से 1.5 लीटर पानी वो बर्बाद करता है। वो मतलब 10 लीटर पानी को प्यूरिफाई करना है, शुद्ध करना है, तो 20 लीटर पानी बर्बाद होगा। लेकिन जब पानी की सप्लाई बराबर होती है तो वाटर प्यूरिफायर्स जो पाइप निकला रहता है सीधे वो नाली में चला जाता है और पानी बर्बाद हो जाता है। सड़ी चीज तो ये है, एहसास दिलाना होगा उनको ताकि लोग उसके प्रति संवेदनशील हों। लेकिन जिस दिन पानी नहीं आता है, पानी की कमी होती है, उस दिन देखा है मैंने वाटर प्यूरिफायर से जो गंदा पानी निकलता है लोग उसका भी उपयोग करते हैं, झाड़ू पोछने में, नहाने में। मैं अपने घर की बात करूं, स्नान करने, कपड़ा धुलने में उस पानी का उपयोग होता है। किस तरह पानी को यूज किया जाता है, यदि महीने में 3 से 4 दिन ऐसा किया जाए तो लोगों की आदत उस तरफ बदल जाएगी, लोगों के हैबिट में शामिल हो जाएगा। और यह करना होगा, बेशक के कठोर निर्णय है, सरकार की आलोचना होगी, लेकिन बुरी आदतों को सुधारने के लिए आलोचना सुननी पड़ती है। एक तो अंत में देखा जाए नंबर ई, पानी का अधिकतम उपयोग किया जाए, क्योंकि लोगों को क्या बनाना है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब तक पर्यावरण के प्रति हम संवेदनशील नहीं बनेंगे तब तक नहीं होगा। ई की बात करें हम लोग, प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाए और प्रकृति के घटक के अधिकार पर बल दिया जाए। जैसे
नदियों को मानवीय रूप देकर उसके अधिकारों की बात हमेशा ध्यान दो, प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाए और प्रकृति के घटक के अधिकार पर बल दिया जाए, जैसे नदियों को मानवीय रूप देकर उसके अधिकारों की बात की जाने लगी है। यह शुरुआत न्यूजीलैंड से हुआ, इंडिया में भी अनेक नदियों को मानवीय रूप देने की बात की जाने लगी है और उसके अधिकारों की बात की जाने लगी है। कितनी अच्छी बात है ये। अंत में देखा जाए, मैंने कहा मोमेंट चलाओ, मोमेंट चलाओ। सबसे बड़ी चीज तो ये है, प्रकृति संरक्षणकर्ता को घोषित किया जाए। एफ, पर्यावरण संरक्षणकर्ता, आदर्श के रूप में प्रचारित। हमेशा ध्यान दो, पर्यावरण संरक्षणकर्ता को आदर्श के रूप में प्रचारित करने के साथ वृक्षों का नामकरण मानवीय रूप में हो। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने कोई पेड़ लगाया तो उस पेड़ का नाम उसके नाम पर पड़ जाए ताकि उसे उसकी पहचान मिले। संवेदनशील बनाना है प्रकृति के प्रति, और जब तक लोग प्रकृति के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तब तक प्रकृति का संरक्षण नहीं होगा। जी की बात करें, ऐसी संस्कृतियों को प्रमोट किया जाए जहां प्रकृति की पूजा होती है। जहां ये बात हमेशा ध्यान दो, इस बात को हमेशा ध्यान दो, इस बात को, ऐसी संस्कृतियों को प्रोत्साहन जहां प्रकृति की पूजा होती है। हम जिसकी पूजा करते हैं ना, हम उसके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, और जब हम संवेदनशील होंगे तो स्वाभाविक है। हमेशा कल्चर की बात करें, कल्चर की बात करो, धर्म की बात करो, और पेड़ों को या प्रकृति के प्रति मानवीय संबंध को डेवलप करना होगा। अब हम कैसे बात करेंगे या क्या होगा, इसको इस तरह देखो आप, जैसे मैंने क्या कहा, प्रकृति के साथ हम मानवीय संबंध की बात करें। हम दूसरी चीज बात करें, पर्यावरणीय विनाश से उत्पन्न संकट का एहसास दिलाना। हम तीसरी चीज बात करें, प्रकृति की पूजा को करने वाले संस्कृति को हम प्रोत्साहन की बात करें। ध्यान देना, प्रकृति के साथ मानवीय संबंध हो,
पर्यावरणीय विनाश से उत्पन्न संकट का एहसास दिलाना, प्रकृति की पूजा को प्रोत्साहित करने वाली संस्कृति को प्रोत्साहन मिले। जैसे मैंने क्या कहा, प्रकृति के घटक को मानवीय अधिकार देना। सबसे बड़ी चीज तो ये है, इन तीनों से क्या होगा, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रकृति को सजीव मानने की परंपरा का विकास, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रकृति को सजीव मानने की परंपरा का विकास, इससे क्या होगा, प्रकृति का क्या होगा, संरक्षण होगा। सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये प्रश्न नंबर 3 है। ये करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। एक लाइन, पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए समझौते का क्रियान्वयन तब तक कठिन जब तक लोग प्रकृति के प्रति संवेदनहीन है। यदि प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का विकास हुआ तो के लिए ये मेरा निष्कर्ष है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी समझौते किए जाते हैं उसका क्रियान्वयन तब तक कठिन है जब तक लोग प्रकृति के प्रति संवेदनहीन है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए इस समय समझौते बहुत सारे हो रहे हैं, पर क्या उसका क्रियान्वयन हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लोग प्रकृति के प्रति संवेदनहीन है। यदि प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का विकास हुआ तो पर्यावरणीय संरक्षण के लिए समझौते की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे अंदर से पढ़ने की इच्छा नहीं जगी तो लाख आप कहोगे मैं नहीं पढ़ूंगा, पर मेरे अंदर से पढ़ने की इच्छा जाग गई तो आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। आप समझौते करो पर उसका क्रियान्वयन तब तक नहीं होगा जब तक मैं संवेदनहीन हूं, पर यदि मैं संवेदनशील हो गया तो समझौते की कोई आवश्यकता है ही नहीं। एक बात हमेशा ध्यान देने, इस बात को, ये आपका निष्कर्ष चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, दो चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप,
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना वायरस वायरस को रोकने के लिए मानव पर दवाओं का परीक्षण नैतिक है या अनैतिक। मैं केवल एक फ्रेम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे सुना होगा जब कोरोना वायरस के टीके की बात चल रही थी तो दवाओं को दुनिया के कुछ ऐसे देश और कंपनी दवाओं की खोज का दावा कर रही थी। बात ह्यूमन ट्रायल का था, कौन तैयार होगा और कौन नहीं। तो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मानव पर दवाओं का परीक्षण ट्रायल नैतिक है, इथिकल है या अनइथिकल है, यही प्रश्न है। मैं एक फ्रेम बनाता हूं आपको। यदि इस तरह का प्रश्न पूछा जाता आपसे, इस तरह का यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आंसर कैसे चलेगा, पूरी बात ध्यान देना। दवाओं के यदि परीक्षण की बात करें हम लोग, विलासिता के लिए किया जाता है अनैतिक, जीवन रक्षा के लिए ट्रायल किया जाता है तो नैतिक। हमेशा यदि विलासिता के लिए परीक्षण किया जाता है ट्रायल, समान रूप में कुछ भी पूछा जाए, कुछ बातों को हमेशा याद रखना आपको। यदि विलासिता के लिए दवाओं का परीक्षण किया जाता है तो अनइथिकल होगा, और यदि जीवन रक्षा के लिए ट्रायल किया जाता है तो इथिकल होगा। अब ये इथिकल तो है, लेकिन यहां दो प्रश्न उठा हमेशा, जाति धर्म धर्म एवं लिंग के आधार पर हमेशा ध्यान दो, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो अनैतिक। बेसिक जीवन रक्षा के लिए परीक्षण करो, आप ट्रायल करो, इथिकल एक शर्त क्या है, जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो फिर अनैतिक। परीक्षण हो रहा है तो ये क्या होगा, नैतिक होगा। पर एक प्रश्न उठा, पर हमेशा ध्यान दो, सभी समुदाय पे किया तो जा रहा है पर एक शर्त है, यदि उचित आर्थिक पुरस्कार देकर परीक्षण किया जाता है तो नैतिक है। उचित आर्थिक देकर करना नैतिक, पर यदि
ध्यान दो इस बात को, दवाओं का परीक्षण विलासिता के लिए किया जाता तो अनैतिक, जीवन रक्षा के लिए परीक्षण किया जाता तो नैतिक, पर इसमें दो शर्त है, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो अनैतिक। सभी समुदाय पर परीक्षण तो नैतिक, लेकिन उचित आर्थिक पुरस्कार दे करके किया जाता है तो नैतिक। शरीर की कीमत लगाकर परीक्षण किया जा रहा है तो अनैतिक। क्यों नैतिक? कीमत नहीं लगाई जा सकती। आप पुरस्कार दो, पुरस्कार नैतिक है, कीमत लगाना अनैतिक है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर देखा होगा, हमेशा जानते इस बात को, आपने मुझे कोई गिफ्ट दी तो अनमोल होती है, आपने कीमत ली तो अनमोल नहीं रह जाती। चीज वही है, जैसे ये मार्कर है, आपने मेरे बर्थडे में गिफ्ट किया है तो मेरे लिए अनमोल है। क्यों? क्योंकि आपने जब गिफ्ट किया तो इस गिफ्ट के पीछे आपका इमोशन जुड़ा है, इमोशन, भावना, और मेरे प्रति सम्मान और डिवोशन जुड़ा है, समर्पण जुड़ा है। सम्मान, समर्पण, इमोशन की कोई कीमत नहीं लगती है। पर मैं इसकी कीमत दे रहा हूं, 20 रुपया आपसे खरीद रहा हूं, कीमत चुकाइए, तो ये मेरे लिए अनमोल नहीं है। कि जब मैंने कीमत दी तो इसके पीछे ना तो आपका कोई इमोशन है और ना तो मेरे पीछे डिवोशन और समर्पण है। आपने ये मार्कर मुझे इसलिए दिया क्योंकि मैंने इसकी कीमत चुकाई है। यह होता गिफ्ट और कीमत में अंतर। ध्यान देना इस बात को, मैंने क्या कहा, यदि आप गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट अनमोल होता है, क्योंकि गिफ्ट के पीछे आपका इमोशन जुड़ा है, इमोशन, आपका डिवोशन जुड़ा हुआ है, मेरे प्रति सम्मान की भावना जुड़ी हुई है, और इमोशन अनमोल होता है। पर कीमत मैंने चुकाई है तो इसकी यह अनमोल नहीं रह जाएगा। यदि आप उचित आर्थिक पुरस्कार देकर परीक्षण करना चाहते हो तो नैतिक है। शरीर की कीमत लगाकर परीक्षण करते हो तो अनैतिक है। कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। मान लिया जाए कोरोना के हम बात करें, मान लिया जाए दो चीज होगी परीक्षण में, स्वेच्छा से परीक्षण के लिए तैयार हैं तो नैतिक। यदि बाध्य किया जाता है तो अनैतिक है। पर एक शर्त है, बाध्य करना नैतिक हो सकता है, बाध्य करके दवा का परीक्षण करना नैतिक हो सकता है, यदि समाज परीक्षण के लिए तैयार न हो तो बातें करके किया जा सकता है, किंतु शर्त, तीन शर्त है, भेदभाव न हो, दुर्घटना की स्थिति में पर्याप्त मुआवजा, और तीसरी चीज बात करें समाज के सबसे कमजोर वर्ग को पहले सुरक्षा दी जाए।
और नंबर चार, ध्यान देने इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। हम लोग बात कर चुके थे, यदि लोग स्वेच्छा से ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार हैं तो नैतिक होगा, यदि बाध्य किया जाता तो अनैतिक होगा। पर प्रश्न ये उठा, यदि सोसाइटी के लोग तैयार न हो ह्यूमन ट्रायल के लिए तो बाध्य करके परीक्षण किया जा सकता है और नैतिक होगा, पर यह शर्त है। जब बाध्य करके ट्रायल करोगे तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव ना हो। दूसरा, दुर्घटना की स्थिति में पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। तीसरा, समाज के सबसे कमजोर वर्ग को पहले सुरक्षा दी जाए। और चौथा, परीक्षण का उद्देश्य सार्वजनिक हित हो, न कि प्राइवेट इंटरेस्ट। ये है आपका अब देखो प्रश्न ये पूछा जा सकता आपसे, प्रश्न ये पूछा जा सकता आपसे, दवाओं के परीक्षण के लिए मानव को कैसे तैयार करेंगे आप? हमेशा सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए ह्यूमन ट्रायल आवश्यक है। क्वेश्चन, के लिए ह्यूमन ट्रायल मानव पर आप मानव पर दवाओं का परीक्षण करने के लिए मानव को तैयार करने के लिए स्वेच्छा से तैयार कर स्वेच्छा क्या सुझाव देना चाहेंगे? इस प्रश्न को देखो आप, सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए मानव पर परीक्षण आवश्यक है, ह्यूमन ट्रायल। अब मानव पर दवाओं का परीक्षण करने के लिए, मानव को शिक्षा तैयार करने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? इतना बेहतरीन प्रश्न है, ताकि लोग स्वेच्छा से तैयार हों। तो दो चीज हमारे पास, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, मान लिया जाए ये प्रश्न उठा, हमारे पास दो विकल्प है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं मैं। यदि प्रश्न ये पूछा गया तो हमारे पास दो विकल्प है, पहला आर्थिक पुरस्कार
या पर्याप्त मुआवजा। इसका मतलब है जो लोग ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार होंगे उन्हें 1,00,000 रुपया 10,00,000 रुपया आर्थिक पुरस्कार दिया जाएगा। दो विकल्प है हमारे पास। दूसरी चीज ये मोटिवेशन, प्रेरणा। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ह्यूमन ट्रायल के लिए लोगों को तैयार करना जरूरी है, इसके लिए आप लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे प्रेरित करेंगे। मोटिवेशन की बात करें हम लोग, मोटिवेशन आप क्या करेंगे मोटिवेशन के लिए। तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, हमारे पास विकल्प क्या मोटिवेशन के लिए। सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्रस्तुत करना। अच्छा, जो हाईली क्वालिफाइड या बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं, यदि वे लोग ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार हो गए तो अन्य लोग मोटिवेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए देश के सांसद, राष्ट्रपति, जाने माने साहित्यकार यदि ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार हो गए तो अन्य लोग मोटिवेट होंगे। हमेशा देश के लीडर को प्रोत्साहित करना, हमेशा ध्यान दो इस बात को, देश के जो लीडर हैं, लीडर को आगे करना ताकि ट्रायल के लिए तैयार हो। वर्तमान लीडर पर परीक्षण, मैं बस थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। मैं मोटिवेशन कैसे होगा, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। जैसे मैंने ये कहा कि साहित्यकार को नोबेल अवार्ड होल्डर है, धारक है, भारत के महान साइंटिस्ट है, दुनिया के ऐसे महान लोग जो सोशल वर्कर है वो तैयार हो, जैसे कैलाश सत्यार्थी तैयार हो गए। जब ये लोग ह्यूमन ट्रायल के लिए आगे आएंगे जिनकी लाखों फॉलोअर्स हैं, तो अन्य लोग भी मोटिवेट होंगे। और जो देश के वर्तमान लीडर है पर मीडिया के सामने परीक्षण, ताकि अन्य लोग मोटिवेट हो। अगली चीज देखो आप, ए बी, नंबर सी की बात करता हूं मैं। परीक्षण में शामिल लोगों को विशेष सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान एवं प्रतिष्ठा की बात करें। नंबर हम डी की बात करते हैं,
E F हमेशा ध्यान देने इस बात को, पॉइंट यही है, या तो आर्थिक पुरस्कार या पर्याप्त मुआवजा दो, आर्थिक प्रलोभन दो, तो लोग स्वेच्छा से तैयार हो जाएंगे, अन्यथा उन्हें मोटिवेट करो आप। मोटिवेशन का तरीका क्या हमारे पास? सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति को एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करो, साहित्यकार, वैज्ञानिक, इन लोगों को कि ये लो, इन लोगों को आगे करो आप, ताकि अन्य लोग मोटिवेट हों। देश के वर्तमान लीडर पर ट्रायल होना चाहिए, ये देश के वर्तमान, क्यों? क्योंकि पॉलिसी मेकर ये लोग हैं। जब इनके अंदर उस परीक्षण का डर नहीं है तो फिर अन्य लोगों को नहीं डरना चाहिए। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि ह्यूमन ट्रायल के लिए शायद अमेरिका में, एग्जैक्ट में क्लियर नहीं हूं मैं, अमेरिका में जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, एक्स प्रेसिडेंट, वो लोग अपने आप को आगे कर रहे हैं, शिक्षा से आगे ला रहे हैं दवाओं के परीक्षण के लिए, कोरोना वैक्सीन के परीक्षण के लिए। परीक्षण में शामिल लोगों को विशेष सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। जब सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा मिलेगी तो हमेशा उस पहचान को पाने के लोग स्वेच्छा से तैयार होंगे। अब्राहम मास्लो एक थिंकर है, मास्लो ने यह कहा, जब लोगों की भूख मिट जाती है तो लोगों को सम्मान चाहिए, वो सामाजिक पहचान चाहिए उन्हें, हमेशा एक सामाजिक पहचान चाहिए। नंबर डी, मानव जात के संरक्षक के रूप में प्रचारित किया जाए। जो लोग ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार हो गए उसे इस रूप में प्रचारित किया जाए कि ये लोग, इन लोगों ने मानव जात को बचा लिया। यकीन करो, हर व्यक्ति चाहता है कि वह इतिहास बनाए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे याद किया जाए, चाहे उसका समाज याद करे, चाहे देश याद करे। अगला पॉइंट, दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवार को विशेष सुविधा तथा प्रशासनिक सम्मान दी जानी चाहिए। मान लिया जाए ह्यूमन ट्रायल के दौरान, ह्यूमन ट्रायल में शामिल लोगों की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को विशेष सुविधा, चाहे जॉब में रिजर्वेशन की बात कर दी जाए, चाहे यात्रा में विशेष छूट दे दी जाए, और प्रशासनिक सम्मान दिया जाना चाहिए। हमेशा ध्यान दें इस बात को, इससे यह फायदा होगा कि अन्य लोग मोटिवेट होंगे। अंत में देखा जाए, दवा परीक्षण को एक अवसर के रूप में प्रचारित करना और अन्य लोगों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना, ये जो दवा परीक्षण हो रहा है इसे आप उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करो, आप एक अवसर के रूप में, एक अपॉर्चुनिटी है ये। जैसे कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल होना है, यदि हम इसे एक अवसर के रूप में प्रचारित करेंगे कि एक बेहतरीन अवसर है राष्ट्र के लिए कुछ करने का,
समाज के लिए कुछ करने का, अपने जीवन को सार्थक करने का, अपने जीवन को सार्थक बनाने का, समाज कल्याण के लिए कुछ करने का एक बेहतरीन अवसर है। इससे यह होगा कि अन्य लोग मोटिवेट होंगे, अथवा परीक्षण के लिए क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे। यह तो प्रश्न, कई बार क्या होगा, इसी प्रश्न को कैसे यूपीएससी घुमा सकता है, इसी प्रश्न को यूपीएससी कैसे घुमाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोरोना वैक्सीन कोरोना वैक्सीन के परीक्षण के लिए आप लोगों को कैसे तैयार करेंगे, या आप सोशल वर्कर हैं, कंपनी के लीडर हैं और एक विशेष वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल होना है, आप कैसे तैयार करोगे। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे यूपीएससी में। बस ये ध्यान दो प्रश्न कैसे बनेगा और हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि कॉर्पोरेट एथिक्स या वैक्सीन के परीक्षण से प्रश्न पूछा जाए।